निजामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंद्रा के शंकर मंदिर के पास। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर समाज मंदिर बनाया जा रहा है शंकर मंदिर के जस्ट बगल में ही, और करीब 50 लाख रुपए की निधि मिली थी। उसके बाद यहाँ पर ये जो है समाज मंदिर का काम शुरू किया गया। आप देखेंगे कि किस तरह का काम यहाँ पर शुरू किया गया, लेकिन जो निधि मिली थी वो खत्म होने के बाद बताया जा रहा है कि काम रुक गया था। इसके बाद यहाँ पर 2-3 दिन पहले भी इसके काम बंद होने को लेकर जो है समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, बौद्ध समाज के लोग इकट्ठा हुए और काफी इस मामले को लेकर अनबन हुआ था और काम दोबारा शुरू करके इसे बनाने की बात कही गई थी। तो आज आपको बता दें कि आज ही यहाँ पर दोबारा काम शुरू करने के लिए यहाँ पर एक बार फिर नारियल फोड़ा गया है। यहाँ पर रूपा आवाज पहुंची थी और उनके हाथों से नारियल फोड़ा गया। तो उसके बाद जो है यहाँ के स्थानीय लोग थे, प्रवीण पवार थे, शिवा जगताप थे, ऐसे और भी तमाम स्थानीय लोग थे जिन लोगों ने नारियल फोड़ा। और बताया जा रहा है कि कल से ये काम शुरू किया जाएगा और आने वाले 1 दिसंबर तक जो ये समाज मंदिर है इसका काम पूरा करके समाज के लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कई दिनों से राजनीति हो रही थी और क्यों आखिर काम बंद किया गया, लेकिन अब जो है दोबारा यहाँ पर नारियल फोड़ा गया और फिर से इसका काम अब कल शुरू किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जो रूता भांड है उसे क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। मैं जानती हूँ समाज मंदिर को लेकर बहुत अलग अलग बातें उठ रही है, अलग अलग अफवाहें उठ रही है, वीडियो आ रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि पिछली बार साहब आए थे तब आवाड साहब ने बोला कि हम 2 दिन में काम शुरू करेंगे। उसके बाद में कुछ निधि का कुछ इशू हो गया था। बहरहाल अभी काम शुरू हुआ है और आई एम श्योर कि कल से ये काम शुरू होगा और 1 दिसंबर के पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे भी ये मैं बोल रही हूँ, मैं बाकी के लोग क्या बोले, क्या बोल के गए, क्यों हुआ, अभी अगर हम इस तरह इतिहास दोहराने बैठेंगे ना तो हमको बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही सारे समाज को मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक जन अपना अपना पर्सनल ईगो बाजू में रखे, राजनीति बाजू में रखे, ग्रुपिज्म बाजू में रखे और इतनी अच्छी जो वास्तु जो बाबा साहब के नाम से तैयार होने वाली है उसके लिए सारे लोग सहयोग करें। मैं खुद, मुझे नहीं पता बाकियों का क्या मानना है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को समाज में लाया, मेन स्ट्रीम में लाया, और अगर उनके ही फॉलोअर बोलने वाले लोग इस तरीके से गाली गलौज कॉलर पकड़ना लड़ना कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपने बाबा साहब को समझा है। जब उनको समाज ने धुतकारा था तो उन्होंने अपना कद इतना ऊंचा किया जो उनको धुतकार रहे थे ना उसी के संविधान में उनको जीना पड़ा है। तो अपने आप को इतना बुलंद करो कि लोग आपको आगे पूछे कि आपको क्या चाहिए, ना कि मैं जाके लोगों को बोलूं कि मुझे ये दो। मैं हमेशा इन सबको बोलना चाहती हूँ और मैं आज एक थोड़ी सी बात हटके बोलती हूँ कि इसके बहुत राजनीति हो रही है, हमारे ऑफिस में आओ इसमें आओ, जिन्होंने पिछले कितने सालों से जनता जिंदा है कि मरी है, कौन से हाल में है, पानी पी रही है कि नहीं, गंदे रास्तों पे चल रही है कि नहीं, यहाँ के रहवासी होने के बावजूद यहाँ के सो कॉल्ड नेताओं ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस तरह के समाज को चढ़ा। और आपको मालूम है धर्म अफीम की गोली की तरह है, चाहे बंदा जान दे दे लेकिन मेरा धर्म चढ़ना चाहिए। लेकिन जिनके रास्ते पे आज हम चल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक ही बात बोलता है कि हम सब एक है, हमारे मन में किसी के भी लिए कुछ भी खराबी नहीं है। और स्पेशली ऐसे लोग जिनको इतने अच्छे, आई मीन सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जिनको इतने अच्छे नेता मिले हैं यार, आई मीन ये क्यों इतनी लड़ाइयां हो रही है, क्यों ये हो रहा है, कोई जरूरत नहीं। समाज मंदिर 100% बनेगा, ठीक है। अभी उनको जो चाहिए था शायद उस हिसाब से हम ना बना पाए जिस तरह उनको चाहिए था, लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, अच्छा मजबूत और जहां पर सही में हमें बाबा साहब को यहाँ पे स्थापित करने के लिए दिल से अच्छा लगेगा ऐसी वास्तु हम इनको बना के देंगे 1 दिसंबर के पहले।